शाहजहाँपुर में पुरानी पेंशन समेत 21 सूत्रीय मांगों को लेकर वेसी शिक्षकों ने मंगलवार को नगर में बाइक रैली निकाली। इस दौरान शिक्षक शिक्षिकाओं ने हाथों में मांगे लिखी तख्तियां लेकर जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। शिक्षकों के समर्थन में बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर्स भी अपनी मांगों के साथ शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री संजय सिंह और जिलाध्यक्ष देवेश वाजपेयी के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाएं राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में इकट्ठे हुए। शिक्षकों के समर्थन में जिलाध्यक्ष पद्मा रस्तोगी और जिला प्रभारी विश्व मोहन के नेतृत्व में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भी पहुंचकर आंदोलन की इस कड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी, पेंशन अधिकार मंच का प्रदेश स्तर पर गठन हुआ है। इस मंच के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक अध्यक्ष डॉक्टर दिनचंद शर्मा जी हैं और इस संघ के प्रधान महासचिव सुशील कुमार त्रिपाठी जो कलेक्ट्रेट संघ के प्रदेश अध्यक्ष वो हैं। आज प्रदेश के सभी 75 जनपद मुख्यालयों पर ये मोटरसाइकिल रैली निकल रही है। इसमें सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण मांग पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग है कि पूरे प्रदेश का कर्मचारी और शिक्षक इस समस्या से जूझ रहा है और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए पूरे प्रदेश के हर जनपद मुख्यालय पर ये रैली हो रही है। और इस रैली से भी सरकार नहीं जागी, यहाँ के अधिकारी यदि नहीं जागे तो 28 अक्टूबर को पुनः प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों पर एक विशाल धरना इसी मंच के बैनर तले होने जा रहा है। और उसके बाद भी यदि कहीं कोई स्थिति बनती है, सरकार हमारे साथ संवेदना नहीं दिखाती है, हमारे मांगों के साथ खड़ी नहीं होती है तो 30 नवंबर को लखनऊ में इको गार्डन में एक विशाल रैली होने जा रही है। और सरकार कर्मचारियों और शिक्षकों का जो पूरा जीवन सरकार के कार्यों में लगा देते हैं, जो उनके आदेश होते हैं, जो उनके नियम होते हैं, उनको फॉलो करने में पूरा तन मन से समर्पित रहते हैं, तो सरकार का भी ये दायित्व है, उनका ये फर्ज है कि सरकार की जो हमारी मांगे हैं उनके साथ संवेदनशीलता दिखाए। और वैसे भी इस बार चुनावी वर्ष है, सरकार को उदारतापूर्वक निर्णय लेने चाहिए और मांगे भी हमारी सब जायज़ मांगे हैं, नैतिक मांगे हैं। और हमारा जो मंच का गठन हुआ है, इस मंच में सारे संगठन मान्यता प्राप्त सारे संघ सेवा परिसंघ सारे मान्यता प्राप्त संगठन है। हम तभी सरकार से कोई मांग रखते हैं जब हमारी मांगें बहुत जायज होती हैं और सरकार को इस पर निश्चित रूप से गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि देश का कर्मचारी, उत्तर प्रदेश का कर्मचारी, शिक्षक, इसमें लेखपाल संघ, ग्राम विकास अधिकारी संघ, कलेक्ट्रेट संघ, चतुर्श्रेणी कर्मचारी संघ, आंगनबाड़ी, सारे लोग इसमें शामिल हैं और बहुत जायज मांगे हैं। पूरा हमने जो मांग पत्र है, हमारा मांग पत्र हमने सरकार को भेज दिया है, नोटिस दे दिया है और मुझे आशा है कि सरकार जरूर इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। और विचार नहीं करती है तो जो संगठन का एक दायित्व होता है, जो संगठन का एक फर्ज है कि संघर्ष करना चाहिए। संगठन मैंने ही इसलिए हैं तो इसलिए संघर्ष का आगाज हम लोगों ने किया है। परिणाम सरकार के पाले में जो आगे स्थिति होगी।